के हाथों ही सृष्टि रचाए, अति विशाल रूप है माँ का, नाखून में ब्रह्मांड समाए, सतरज तम तीनों गुण माँ में, गणि माता में पाए जाए, सर्व प्रथम सृष्टि में माता, ब्रह्मा विष्णु शिव को बनाए, इनके बाद आने के देवता, गणि माता ने दिए प्रगटाए, अति मनोहर रूप है माँ का। किसी को जान से मारना भला कहां तक ठीक है? अरे इसे बख्श दो मेरे भाइयों, इसके अपराध के लिए इसे क्षमा कर दो, आखिर ये भी तो एक इंसान है। चोरी को जाने से
को बतलाए, माँ का भक्त जेल में पहुँचा। पूजा पाठ में समय बिताए, कौन सा पाप है पूर्व में जन्म का। निर्अपराध हूँ काटू सजाए, नित दिन को से रहा अपने को। दुर्दिन में दिन रहा बिताए, गढ़ी माई को दया आ गई। बुढ़िया कालिया भेस बनाए, बारह बजे रात में गढ़ी माँ। माँ, आप कौन है माता, और आधी रात को इस काल कोठरी में आप कैसे पहुंची? मुझे अपना परिचय दे माँ, अपना परिचय दे माँ, आखिर आप हैं कौन? भगवान चौधरी, आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम मुझे अपने गांव ले चलो। अहो भाग्य माता, अहो भाग्य माता, जो आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर ये असीम कृपा की है। चलिए माता, आप मेरे साथ चलिए। मगर ठहरो भक्त, तुम्हारे साथ चलने से पहले मेरी एक शर्त है। यदि तुम 5 वर्षों में मुझे 5 बलि दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माते, कहां अंतर ध्यान हो गई हो माँ, कहां अंतर ध्यान हो गई हो। तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है माई, अरे अपने लाल को अकेला छोड़ के कहां चली गई हो माँ। मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माँ। अगर तुमने मुझे दर्शन ना दिए तो मैं तेरे
चरणों की कसम, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा। तेरे दर्शन के लिए अब तो प्राणों को भी त्याग दूंगा मां, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माता, दर्शन दो। भक्त भगवान चौधरी, मैं तो सदा तेरे साथ हूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जहां से मैं अदृश्य हुई हूं, तुम वहां की माटी उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लो और अपने गांव तक ले चलो। गांव जाकर उस माटी से एक सुंदर भवन बनाओ, जहां पर स्वयं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जहाँ
पापी सभी धुल जाए, इस पोखरे में सांते इनारा, जिसका चले के तूजे में जाए, इस नान करके लगे लोग पूजने, दिए है मंदिर भव्य बनाए, अति मनोहर माँ का मंदिर, जो देखे देखत रह जाए, भगवान चौधरी बने पुजारी, माँ गढ़ी का जो भक्ति कहा भक्त भगवान चौधरी, ध्यान से सुनो। जहां पर मेरा त्रिशूल लगा है वही मेरा स्थान बन गया है। आज से मैं यहीं पर निवास करूंगी और मुझे गढ़ी माता के नाम से जाना जाएगा। चौधरी बाबा, आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? अरे कैसी देवी को आप ले आए कि इस गांव में संतान ही नहीं हो रही है? अरे अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमारा गांव पुत्र विहीन संतान विहीन हो जाएगा। भुखमरी छा रही है, खुशहाली खो गई है हमारे इस गांव की। अरे आखिर कुछ तो उपाय करें चौधरी बाबा। ये कैसी विडंबना है माँ? अरे गांव के लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि कैसी देवी को उठा लाए हो। तेरी आन पर प्रश्न बना है माँ, कुछ तो उपाय करो। भगवान चौधरी, जाओ और जाकर सारे गांव को सूचित करो कि जो बस्ती मेरे सामने है, यदि वो बस्ती मेरी नजर की दक्षिण की ओर बन जावेगी तो नगर में ना तो कोई
निर्धन होगा और ना ही पुत्र विहीन। तथास्तु। तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद माता गढ़ी के मंदिर में बहू नहीं जाएगी, और यदि भूल से भी मंदिर गई तो जीवन भर पुत्र विहीन रहेगी। घटी अनोखी घटना, चौधरी जी गए क्रोध में आए, क्रोध के
खोज निकाले कोई उपाय, जैसे ही माँ का ध्यान धरे है। आखिर मेरा कौन सा अपराध था? ससुर जी, मैंने जो भी किया अनजाने में किया, अज्ञानता में किया है। ससुर जी, यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहू, जो बात जुबान से निकल गई वह व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे अब तो श्राप से मुक्ति तुम्हें गढ़ी माता ही दिला सकती है। जाओ, जाकर उन्हीं का ध्यान लगाओ, कोई ना कोई उपाय गढ़ी माता जरूर निकालेंगी।
पीपल का वृक्ष है आए वही पे मैंने लिया समाधि। तो सबको ये बात बताए लड़के की जटा अपने घर की, देना मेरे सिर पे चढ़ाए सरिहन धान का भोग लगाना। पुत्र महिपाल, मैंने ब्रह्म बाबा के उत्तर दिशा में समाधि ले ली है, अर्थात जो भी भक्त मां गढ़ी के दरबार में सरिहन की धान का भोग और खंसी की बलि चढ़ाएगा और सुबह शाम माई के मंदिर दीपक जलाएगा, उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। क्षेत्र
मन हो जाए, माता जी की सात बहन है। सर जन किया जाए, पालकी में हो मां की विदाई।